और चाचा जी क्या गा रहे हो? अरे बेटे आज तो भूमि पूजन हो गया। हाँ मैंने भी सुना। अब तो हम यही गाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। ठीक है अभी रुक जाओ, बाद में गाना गा लेना, अभी डबिंग करने दो। अरे बेटा पिछली वीडियो कितने मस्त बनाई थी, राखी स्पेशल। हाँ चाचा जी आपने देखी? मैंने तो देख ली बेटा, बहुत मस्त थी। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, वीडियो आपको मिल जाएगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ दो दिन में 300 प्लस व्यूज, 96 लाइक्स और 54 कमेंट्स हो गए हैं। अरे बेटा तेरे तो बहुत सब्सक्राइबर हो गए हैं। अभी तक तो 870 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जल्दी करो, 130 सब्सक्राइबर्स रहते हैं। मेरी नहीं तो चाचा की तो सुन लो। बोलो ना चाचा क्यों बेइज्जती करा रहे हो? अरे रे फिर मेरे को क्या मिलेगा? अब आप भी मुझसे मांगोगे? बस यही दिन देखने रह गए थे। एक और स्टोरी टाइम वीडियो बना ना। ठीक है पर फिर आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलोगे। ठीक है। ए बंटी बबली रेखा चिंटू गुल्लू मूता भाई जल्दी जल्दी आओ, कहानी शुरू होने वाली है। सो व्हाट्सअप गमी बेयर। So, what's up, gummy bears? It's me, Mavic, और आज एक और स्टोरी टाइम होने वाला है, तो जल्दी अपने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाओ, आज बहुत मजा आने वाला है। तो ये रिसेंट बात है, मैं अपनी वीडियो के लिए आइडिया सोच रहा था। मैंने सोचा कि अभी कोई आइडिया है नहीं तो मैं फिर से एक और गेमिंग वीडियो डाल देता हूँ। थोड़ी देर बाद मम्मी ने बोला कि राखी आने वाली है, राखी पर कोई वीडियो बना दे। मैं फेस कैम वीडियो में इतना इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि इतने टाइम से मैंने फेस वीडियो नहीं की थी। पर जैसे ही वीडियो डाली कते रॉकेट के स्पीड से व्यूज और सब्सक्राइबर आने लगे। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अपना मस्त गेम बना रहा था। एज यू नो आई एम अ गेम डेवलपर। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं अपना मस्त गेम बना रहा था और मेरे घर की घंटी बजी। मैंने बाहर जाके देखा कि अश्विन N95 मास्क लगाकर खड़ा है। मैंने दरवाजा नहीं खोला और पूछा, हाँ भाई क्या काम है? दरवाजा तो खोल। मेरे को पता नहीं चला कि वो किस बात के लिए इतना एक्साइटेड था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वो मेरी वीडियो की तारीफ करने लगा, और तारीफ पसंद किसे नहीं है। मैं भी सुन रहा था और वो बोलने लगा, यार कितनी मस्त वीडियो थी, और मोम वाली तो कितनी मस्त थी, उसमें बारिश तूने करवाई थी, और पबजी में क्या लुका छुपी, आय हाय हाय ब्ला 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 ब्ला। मेरे को ना लिटरली स्टार वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे कि मेरे फैंस मेरे घर पर आए हैं। पर मुझे बाद में पता चला कि वो मेरी वीडियो में आना चाहता था। मैंने भी बोला ठीक है, जब भी कोई रोल की जरूरत होगी मैं बुला लूंगा। मैंने सोचा ठीक है वो 2-3 मिनट में चला जाएगा, पर नहीं, उसने मेरे 3 घंटे वेस्ट कर दिए। क्योंकि मेरे को हफ्ते में 2 दिन गेम डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं और उसमें भी इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि वीडियो में ले लूंगा, पर नहीं, उसको तो सारी स्क्रिप्ट आज ही लिखनी थी। भाई एक दिन में सारी स्क्रिप्ट नहीं बनती, टाइम लगता है। तो आखिर में मैंने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, भाई स्क्रिप्ट तो लिख, अगर कोई गड़बड़ होगी ना मैं हेल्प कर दूं। इतने के बाद वो चला गया, मैं चैन की नींद सोया क्योंकि मैं बहुत थक चुका था ऑफकोर्स बातें करते करते। फिर अगले दिन जैसे ही मैंने अपना गेम बनाना स्टार्ट किया, उसी टाइम वो 2 पर्चे लेके वापस आ गया। मैंने सोचा कि एक दिन में स्क्रिप्ट खत्म कर दी, पर वो शायरियां लिख कर लाया था। मेरे को लगा कि आज भी मेरा टाइम वेस्ट ना कर दे। मैंने उसे बोला, भाई यूट्यूबर्स की वीडियो देख, उनसे आइडिया ले और उन्हें अपग्रेड कर। कैसे भी करके वो चला गया। ये वाली बात इधर खत्म होती है। ओ हाँ मेरे को एक और बात याद आई। एक और दिन की बात है, मैं मोस्टली अपनी वीडियो व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट करता हूँ, और पहले मैं वीडियो के साथ ट्रेलर भी डालता था ताकि लोग बाद में मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सके। पर उस दिन के बाद से मैंने ट्रेलर डालने छोड़ दिए। बात ये हुई थी कि मैंने अपनी वीडियो के साथ ट्रेलर डाला था, और 1 घंटे बाद अश्विन मेरे घर पे पहुंच गया और बोला, भाई मैंने तेरी वीडियो ना 200 लोगों तक शेयर की है। मैंने उसे गेस्ट रूम में बिठाया और उसके लिए पानी लाया। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि वो मेरी व्हाट्सएप पर ट्रेलर वाली वीडियो बार बार देख रहा है कि भाई क्या हो गया, बार बार ट्रेलर वाली वीडियो क्यों देख रहा है, व्यूज बढ़ा रहा है। 200 लोगों को तूने सेंड क्या किया? ये वीडियो सेंड किए। तो ये
ये बात है मेरे 11th क्लास की। हमारे थोड़ी देर पहले एक्स्ट्रा क्लास खत्म हुई थी और मैं स्कूल पैदल आया था, एंड कोई रीजंस की वजह से मैं स्कूल आधे घंटे बाद निकला था। और मेरे को आदत थी अगर मैं कभी भी पैदल चलता हूँ ना तो मैं लिफ्ट मांगता हूँ। तो मुझे पटेल पार्क से आती हुई मेरी क्लासमेट दिखी। इस वीडियो में उसका नाम नहीं लेते हैं, उसकी जगह हम उसका नाम रखते हैं पत्ता गोभी। ओके, पत्ता गोभी पटेल पार्क से आती हुई दिखी। मैं जोर से चिल्ला पड़ा, पत्ता गोभी लिफ्ट। वो मुझे बिना देखे अपनी स्कूटी में भाग गई। तो मैं मस्त चलने लगा, मस्त मजे में मैं अपने घर जा रहा था, तभी मुझे साइड में एक बंदा बुलाने लगा। मेरे को पता नहीं था कि वो मुझे क्यों बुला रहा है, पर मैं फिर भी चला गया। वो मुझसे पूछने लगा, कौन है तू? मैंने भी मजाक में बोला, क्यों बताऊं मैं कौन हूँ? और वो एंग्री हो गया, मुझे पता नहीं क्यों, पर वो हो गया और मुझसे पूछने लगा कि वो लड़की कौन है। मैंने कहा कि क्लासमेट है, और वो मुझे पेलने लगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया? वो बिना कुछ कहे मुझे मार रहे थे। उस समय मेरी बहुत फट गई थी। मैं मन में सोचने लगा कि ये क्या हो गया, बिना मतलब कि उसने मुझे कूट दिया। फिर मैंने अपनी थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैं सोचने लगा कि अगली बार से होगा तो मैं वापस मैं भी मारूंगा, डिशम डिशम मैं भी करूंगा। मैं थोड़ी दूरी आके गया था, वो अपनी स्प्लेंडर में मेरे पीछे धीरे धीरे आ रहा था। उसने मुझसे पूछा, कौन सी क्लास में है तू? मैंने सोचा कौन सा सच बोल के इनाम मिलने वाला है, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैं 10th क्लास में हूँ। सीधा मेरी नाक पे उसने मुक्का मारा और भाई नाक से खून की नदियां बहने लगी। मैं रास्ते में जाते जाते ना मेरा अजीब सा इमोशन था, मतलब दर्द के कारण मैं रो भी रहा था और मैं फालतू में पिट गया, इसके लिए मैं हंस भी रहा था। मैं कैसे भी करके घर पहुंच गया। मैं रोते रोते अपनी मम्मी को बोला, आज आपके बेटे की जान बच गई, नहीं तो अभी अभी मर जाता। मम्मी भी अपने इमोशन में थी। मैंने पापा को सारी बात बताई। फिर पापा ने बोला, चलना है? मैंने बोला हाँ। और उसके बाद जब हम पटेल पार्क के बाहर पहुंचे ना, हमने देखा वो बंदा वहीं खड़ा है। मैंने बोला, पापा जी वो रहा बंदा। पापा ने स्टाइल में बोला, क्यों मारा इसको? हाँ भाई, कौन है तू? जिसको तूने हाथ लगाया है मैं उसका बाप हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए पापा किसी को कॉल करने लगे, शायद डराने के लिए कर रहे थे। वो भागते भागते बोला, तू इधर रुक मैं आया। वो चला गया। मैं और पापा ने स्कूल में प्रिंसिपल से बात की अबाउट द सिक्योरिटी, पर प्रिंसिपल ने हाथ खड़े कर दिए, स्कूल के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस यहाँ पर कहानी एंड होती है, और इससे एक ही सीख मिलती है, कुछ भी हो, कितनी भी मुसीबत हो, कभी भी लड़की से लिफ्ट मत मांगो। अब ये बात है राजस्थान सूरतगढ़ की। मैं अपने स्कूल से मैथ्स का टेस्ट देकर आया था, और मैथ्स का टेस्ट देने के बाद मेरे सिर में बहुत दर्द होता है, तो मैं घर पे आया, और उस समय मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी। तो मैं घर पे आया और मस्त सो गया। मैं उठा और मैं मस्त दाल चावल खा रहा था, और मेरी बहन बोली, मैं आज बालकनी से अंदर घुसी। मैंने बोला, तू चमगादड़ है क्या? फिर मैंने भी सोचा, गेट तो बंद था, ये सारे अंदर आए कैसे? मैंने मम्मी से पूछा, और मम्मी ने बोला कि हम दरवाजे पर खटखट कर रहे थे, इतनी देर खटखट करने के बाद में मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उन्हें डर लगने लगा। ऑब्वियसली इस समय सबको फिर डर लगेगा ही। फिर पापा ने धृति को अपने कंधे पर चढ़ाया और बालकनी से जंप कराया, और बालकनी हमारे खुली थी तो वो सारे अंदर आ पाए। और जब धृति अंदर घुसी तब भी मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। इस वाले में ना आपको बहुत मजा आने वाला है, तो आप सब ना ध्यान से सुनना। जब हम 8th क्लास में थे और मेरा दोस्त उत्पल हैरी पॉटर का फैन था, मतलब हैरी पॉटर, फिर जस्ट हमने डिसाइड किया कि हम भी इंडियन हैरी पॉटर का सीक्वल बनाएंगे। तब मेरे को VFX एनिमेशन नहीं आता था, पर फिर भी मैंने अपने दोस्तों से वादा किया कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुमसे वीडियो शूट करो। तो उस वीडियो में हमारी कास्टिंग हुई, जिसमें था मैं, उत्पल, चेतन और ध्रुव कुमार झा। उत्पल ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी, जो अब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को अब वो बहुत बेकार लगती है, पर तब की क्रिएटिविटी देख के मुझे बहुत हंसी आती है। तो उत्पल द हैरी पॉटर और मैं द रॉन वीजली। चेतन को शायद हमने प्रोफेसर स्नेप बनाया था, और ध्रुव कुमार झा द बल्बासोर। बल्बासोर एक पोकेमोन है, जो मेरे को भी बाद में पता चला, और वो था हमारा विलन। तो मैंने सबको बोला, भाई जब भी शूटिंग के लिए बुलाएंगे ना, चुपचाप आ जाना, लेट मत करना। और सारे कह रहे थे, भाई जब भी तू हमें बुलाएगा ना, हम आ जाएंगे, ये मूवी तो बिल्कुल ऑसम बनेगी। और ध्रुव कुमार झा कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। तो सर्दियों का टाइम था और हमारे शूट के लिए परफेक्ट फॉगी मौसम था, और हमारा सस्ता सा फेड इफेक्ट फोन को ऐसे ऐसे करके, मतलब वो कुछ भी मैं बताऊंगा बाद में। तो सब रेडी थे सिवाय हमारे विलन के। तो हमारे 3 महीने में टेस्ट होने वाले थे, तो मैंने, चेतन ने और उत्पल ने अपना अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया, बस सीन बचा था तो सिर्फ ध्रुव कुमार झा का। हम उसके घर गए और बोला, चल भाई तेरा शूट रहता है और ये रही तेरी स्क्रिप्ट, टैलेंट देख रहे हो 8वीं के लौंडों का, मतलब स्क्रिप्ट याद करने की जरूरत नहीं होती थी। यार पापा आने नहीं देंगे, 3 महीने बाद टेस्ट है इसीलिए। और तब हमारे वेकेशन चल रहे थे, फिर हमने भी बोला ठीक है तो बाद में शूट कर लेंगे। फिर जब टेस्ट हमारे खत्म हो गए, हम फिर उसके घर गए, हमने बोला चल भाई अब तो शूट कर ले। वो फिर बोला, भाई इस टेस्ट में मेरे गंदे नंबर आए हैं, तो अगले टेस्ट की मैं जोरों शोरों से तैयारी कर रहा हूँ।
मतलब जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही फेक एक्सेंट लगा कर बोल रहा हूँ, वो ऐसे नहीं बोलता था। हमें इतना गुस्सा है ना, पर हमने फिर भी बोला चल ठीक है, फाइनल टर्म के बाद तो फिर छुट्टियाँ पड़ी के तब शूट कर लेंगे। बाद में उसने लिटरली पता है इतनी मेहनत करी थी ना, वो खेलने भी नहीं आता था, पूरा दिन घर पे बैठ के पढ़ता रहता था। हमें लगा कि इस बार तो ध्रुव कुमार झा टॉपर ऑफ द ईयर, पर जब मार्क्स आए वही पास से जस्ट थोड़ा सा ऊपर मार्क्स आए थे उसके। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स कम थे अच्छे थे, पर इतनी मेहनत करने के बाद ज्यादा तो आने चाहिए थे ना, सबको ज्यादा एक्सपेक्ट होगा। उस समय मेरा और उत्पल दोनों का दिमाग घूम गया। मतलब नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फाइनल टेस्ट खत्म हो चुके थे, मैंने उत्पल को बोला चल भाई अब बुलाते हैं। फिर से ध्रुव कुमार झा ने बोला नहीं। हमने पूछा अब क्या हुआ, उसने बोला यार इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने मार्क्स नहीं आए यार, और थोड़ी और ओवर एक्टिंग। फिर मैंने और उत्पल ने ध्रुव को बहुत सुनाया, और ध्रुव कुमार झा ये पूरा नाम लेने के लिए उत्पल ने ही बोला है। अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो जल्दी कमेंट करो और अपनी ईमेल आईडी दे दे। वी रियली मिस यू भाई, याद है टीम 4G, हमने तेरे को कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश की पर तेरा एक भी नंबर नहीं लगा। पता नहीं तूने हमें ब्लॉक मारा है क्या है, पर फिर भी नहीं लगा। तो फाइनली हमें इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि कोई भी काम के लिए किसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। उसने मना किया भाई बंदा चेंज कर दो, नहीं तो कोई काम होता नहीं है। वैसे अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका ट्रेलर मैंने चैनल पे बहुत पहले डाला हुआ है, लिंक शायद मैं आपको दे दूंगा, मतलब आई कार्ड पर आ रहा होगा। तो गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, पिछली बार का आपने लाइक का एम पूरा कर दिया उसके लिए थैंक यू एंड सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस बार का एम रखते हैं 200 लाइक्स, कंप्लीट कर देना अच्छा लगता है। नीचे कमेंट करो कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए, मैं हर बार की तरह नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे बात कर पाओ तो मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो करो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और आखिर में अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आप हमारी औसम वीडियो सबसे पहले देख सको। और आखिर में ये छोटी सी गेम डेवलपमेंट की क्लिप, मेरे को बताओ कि इसका नाम क्या रख सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे बेटे मोहित का चैनल सब्सक्राइब कर देना, राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। ये कौन बोला? सो व्हाट्सअप गमी बेयर्स।